दिल को करार आया, मुझते है प्यार आया, तेरी तेरी बार आया। गुड मॉर्निंग, सुबह के हो रहे हैं अभी 6 और मैं जा रही हूँ अभी ब्रश करने। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। यहाँ पे मेरी छाला होंगे बहुत ज़्यादा दुख रहा है ना, तो मैं कुछ खा पा रही हूँ। मैं आपको किसी से मिला रही हूँ। मेरा तो साफ हो चुका है, अभी मैं सोफा पूरी साफ कर रही हूँ। ये तो मैंने लॉकडाउन में सीखा है, वैसे बेड पूरी, सोफा पूरी। एक एक बस खिलाई है, रेल नहीं। बेटू क्या कर रही है? बेटू खाना खाई है। ओ रिकॉर्डिंग चल रहा है। हेलो उससे ऐसा है, ये सारा काम निपटा लेना, ये सारा कमरा वमरा साफ कर देना पूरा अच्छे से, रूम फ्रेशनर बता दो आप, रूम फ्रेशनर मार देना थोड़ा सा। मैं आपको क्या दिख क्या रही हूँ? एसी के पास ना वो जो लाइन थे रूम फ्रेशनर, उसको मजाक चल रहा है यहाँ पे। पहले इतनी मेरी हाइट नहीं है और ठीक है, और मैं दिख क्या रही हूँ आपको? काम वाली। अरे अपना रूम साफ करने में कौन सा काम वाले। हाँ तो ये क्या बोल रहे हो आप, ये कर दो वो कर दो? हाँ करवा लेते हैं, ऐसे बोलते हैं, तो ऐसे बोलते हैं कि हाँ करवा लेते हैं। नहीं कर लो, चलिए हटिए, करवा लेते हैं। ऑर्डर देने आए हैं, सारे हस्बैंड ऐसे ही होते हैं क्या? नो कभी नहीं। मेरी बेटी सबसे अच्छी है, सबसे प्यारी, जो हमको सबसे लगता है। तो मैं काम करूं, बहुत प्यार प्यार हो गया। लेते जाओ अंदर, एक बाल्टी पहुंचा दो, दे दो ना लेते जाइए। बाय कर दो, बाय कर दो।
फ्लाइंग किस दे दो। थोड़ा सा हमसे नाराज है, चेहरा भी चुबा रहे हो। कैसे मनाया जाए, चेहरा चुबाना ही पड़ेगा, क्या करें। जाइए नहा के आइए, मैं नहा चुकी हूँ। अब तो सीधे नहाने गंगा जी जाएंगे। क्यों? गंगा जी में ज्यादा अच्छा रहता ना, सारे पाप धुल जाते। कौन से पाप कर दिया आपने? पत्नी को दुखी कर दिया, उससे बड़ा पाप क्या है। थोड़ा सा फेस दिखा दीजिए, लोगों को पता भी चले कौन बोल रहा है। नहीं, ये देखिए, ये मेरा हाथ है, ये मेरी उंगलियां है, तो किसी का भी हो सकता है। तो गुस्से में रोटी भी फूल जा रही है, मुंह तो फूलता ही है, गुस्से में रोटी भी फूल जाती है। तुमने तुम्हारे गुस्से का एक इलाज किया है। क्या? एक स्पेशल चीज बनाई है, दिखा दे। बहुत ही टेस्टी है। आप लोग के मुंह में पानी आ गया होगा। इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, इनसे जानने के बाद। घड़ी में बज चुके हैं 3:15, देखते हैं। लड्डू उठो, चलो उठो, 3 बज रहा है, उठो आओ कॉफी पीते हैं। ओ आजा बेटा, ये रही अच्छी सी कॉफी। पानी भी पियोगी? पियो, उठाओ। ये क्या है? कॉफी, कॉफी है। नहीं, स्टार्ट पियो। मैं वेट कर रही थी कि आपका फेशियल करना है। हम सब प्रोग्राम रेडी करके रखे हैं, देखो, हम सोचे तब जगाएं जब सब कुछ प्रोग्राम ओके हो जाए। ये सारा किट है, सुनिए बिट्टू को सुलाते सुलाते खुद ही सो गए। तो सो गई ना बिट्टू, दूध दूध पी ली थी, सो गई। कॉफी पी के ना मजा आता है। अच्छी सी है, हम भी टेस्ट करें दो। हेलो, गुड इवनिंग। अब है ये रिलैक्स टाइम। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग, मेरी वाइफ जा रही है हमारा आज फेशियल करने। अभी देख लो कैसे दिख रहे हैं, अभी मैं चांद का टुकड़ा बना दूंगी इनको। देखो गंदे हो गए हैं, बहुत टाइम हो गया मेरे ख्याल से। शादी, शादी थोड़ा सा और डाउन होना चाहिए पीछे साइड। शादी के बाद मेरे ख्याल से दूसरी बार तीसरी बार हो रहा होगा, उसके बाद टाइम ही नहीं मिला। हाँ। सारा टाइम ऐसे ही निकल जाता है। बैंगल्स का दो ना। थोड़ा और पीछे होके बैठ जाओ, ये ठीक है। अब ऐसे, ये अब मेरे ख्याल से कैमरे की सेटिंग थोड़ी ज्यादा है, ऐसे ठीक है ना, अब ठीक है ना। अभी ठीक है। मुझे क्या लगता है, मैं तो पहले मैं पहले स्क्रब कर देते ना, नहीं उसमें भी स्क्रब कुछ है ना। मैं ना जितना अकेले का वीडियो बनाती हूँ उसमें मैं अच्छी नहीं दिखती, जब हम दोनों साथ रहते हैं तो ज्यादा ही अच्छे लगते हैं। उसको क्या बोलते हैं, अपने मुँह मिट्टू मुइया, ऐसे ना कुछ मिट्टू बना। हाँ, ऐसे कुछ है। वो छोटा वाला पिलो ले लो ना, ऐसे सर पे ऐसे रखेंगे,
तो कंफर्ट फील होगा, थोड़ा छोड़ेंगे मेरा ड्रेस ये मैंने अपने हाथ से बनाया था। अच्छा है, आपसे नहीं पूछ रही हूँ, आपको तो पता ही है। वो ऐसे भी अच्छा है। वाउ स्क्रब, उसमें भी स्क्रब होगा ना? हाँ तो ठीक है, ये रहने दो। नहीं पहले ब्लीच करना है, पहले ब्लीच। ये वाला क्या लगाना है? ये वाला तो रहने दो, ये पील मास्क है तो लास्ट में चला जाएगा। इसमें भी तो है, उस ऐसे है ना। तो ये जो एरिया ना, नॉर्मल ग्लो वो है, गोल्डन का है, एवरयूथ का गोल्डन है, वो पील मास्क है देखो, वो लास्ट। तो जब आप ना मतलब वैसे नॉर्मल डे में लगा सकते हो। मेरी बात तो सुनो, ये एरिया जो ना, ये इस पे ज्यादा, तो टी-शर्ट निकाल के बैठना चाहिए था। ऐसे ठीक है, कुछ तो इज्जत रहने दो। वहाँ कहाँ दिख रहा है? ये हमारा स्क्रब के फेस पे गया, वो हमको पकड़ा दो। क्या चाहिए आपको? आप शांति से बैठ जाओ पहले। इसको ये हम पुस करते रहेंगे ना। आपको ब्लीच भी करवाना है? पहले ब्लीच करवाना चाहिए था ना। नहीं तो क्या हुआ, एक क्लिंजर भी हो जाएगा। एक क्लिंजर है एक आप। पहले ये वो कर दो, क्या कहते हैं, ये स्क्रब हो जा रहा है, फिर उससे क्लिंजर हो जाएगा। ठीक, मिल्क वाले से। मान दे पुष्पस। नो, बस। हाँ तो अभी वो करना है ना। क्या स्क्रब? नहीं, स्क्रब बढ़िया से कर देना क्योंकि पोर्स खुल जाए बढ़िया से। हाँ काफी टाइम पे हो रहा है ना। आप वैसे ही ठीक दिखते हो, अच्छे दिखते हो, क्या जरूरत है फेशियल कुछ करवाने? ये क्या होगा, ब्लीच? देखते हैं कितने जल्दी हम सुंदर हो जाएंगे। आज थर्सडे है, वरना सेविंग वोविंग भी हो गई होती क्लीन। हमारे यहाँ नहीं होता, थर्सडे को नहीं होता। ओपन करो, अगर बेटी जम गई तो सारा फेशियल हो चुका, फिर वो स्टार्ट करवा दीजिए अपना फेशियल करवाना। ये कैसे खुलेगा बाबू? आप उसी पे पुश कर दो, इस पे अपने हैंड से, पावरफुल हैंड से। हाँ देखा, हो गया, उतना ही ज्यादा मत डालना रिएक्टर। निकले ना, इसमें है ही नहीं, थोड़ा सा ही है, एक बार यूज हुआ है। एक रिएक्टर यहाँ रखा होगा? नहीं नहीं, रहने दीजिए। फिंगर्स नहीं, उसके स्पैटुला से करना चाहिए था। है नहीं ना इसमें, अभी कर दूंगी। इसको तो 10 मिनट इंतजार करना पड़ेगा ना। टाइमिंग 15 मिनट, 15 से 20 मिनट। थोड़ा और साफ कर दें एक बार इससे। नहीं अभी हम कर रहे हैं इनके फेस पे ब्लीच अप्लाई, तो 15 मिनट के लिए इसको ऐसे छोड़ देंगे, 15 या 20 मिनट के लिए, क्योंकि बहुत टाइम पे हो रहा है इनका। और मिक्स कर लेना चाहिए था अच्छे से रिएक्टर। किए बेटू, हम लोग का ऐसे चलता रहता है, बेटू बेटू, बाबू, सोना, सब कुछ। मम्मी क्या कर रही है वहाँ? चाय वाय बना के देना है, कॉफी पी है, पता नहीं चाय पियेंगी कि नहीं।
से लिखिएगा। रिएक्टर ज्यादा गिरा है क्या? नहीं बाबू, वो स्क्रब पहले करवा लिए ना, इसी वजह से वो थोड़ा लगता भी है। ये फर्स्ट टाइम थोड़ी ना करवा रहे हो। बाबू जब गई अगर तो देख कर एक बार डर जाएगी, पापा कैसे होंगे, भूतों की तरह दिख रहे हैं। ये जो ब्लीच लगता है ना, ऐसा लगता है चींटियां चल रही हैं इस पर ऐसे। हाँ तो सब कुछ नहीं मिल जाएगा इतनी आसानी से, कुछ मेहनत करना पड़ेगा। ओ गॉड, खुजली हो रही है। ओ गॉड, नॉक पे कितनी हो रही है। अच्छे से कर ले। हाँ थैंक यू, वेलकम। बस ए, मेरा देखना आईब्रो मत वाइट हो जाए। अब इसको हम 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, फिर आपको बताते हैं। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। 5 मिनट के बाद नहीं, ऐसे ही 20 मिनट रहेंगे। ओ कितना सुंदर हो गया मेरा फेस देखो। वाओ वाओ, तो इतना गोरा पर कैसे हो गया? मैंने किया है, ये मेरे हाथों का कमाल है। ये मेरा आईब्रो बाबू, मैं कर दे रही हूँ। ये मेरा आईब्रो गया। यार हम लोग नए नए यूट्यूबर बन रहे हैं। हम लोग बहुत पहले से सोच रखे थे कि हम बनाएंगे वीडियो, लेकिन प्रेग्नेंट हो गए और हम लोग की शादी लॉकडाउन में हुई और फिर उसके बाद सब जल्दी जल्दी हो गया। हाँ इतना जल्दी भी नहीं बोलना चाहिए था। हाँ हो गया जल्दी जल्दी, लेकिन उन लोग को बताना भी तो जरूरी है, नहीं तो हम लोग कब के आ गए होते। आप लोग हम लोग को बहुत पहले से भी जानते। ऐसे बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, कहेंगे कि ये लोग कैसे बन रहे हैं, या हम लोग अभी नए नए हैं ना, हम लोग को नहीं पता है कैसे रहना चाहिए कैसे नहीं। हम लोग जैसे नॉर्मल में रहते हैं वैसे ही हैं। अगर आपको कुछ कमी लगता है तो आप जरूर बताइए, हम सुधारेंगे इसको। ओके, आवाज जा रही होगी वहां तक इतनी धीरे धीरे? हाँ जा रही होगी। सही में जा रही है ना मेरी आवाज? चलो एक अच्छा सा गाना सुनाओ। हमको नहीं आता वाता गाना वाना। बाथरूम सिंगर है बेटू, कुछ गाते वैसे सिंगिंग अभी सुनने को मिल जाएगा। बेटू का फेवरेट है चंदा मामा, आरे आवा पारे आवा, इन्होंने सुना दिया उसको तो रट लग गया इस सॉन्ग का। इनको मैं प्यार से आदि बोलती हूँ और ये हमको प्यार से क्या बोलते हैं? लड्डू। और बेटू को हम लोग पता नहीं कितने नाम रखे हैं बोलने के लिए, मतलब मामा के यहाँ उसके यहाँ सब उसको बोलते हैं बिट्टू, और यहाँ पे सब बोलते हैं सोना और धनवी, जानवी, आराध्या ही है। मैंने एक धनवी नाम से चैनल भी बना रखा है, उस टाइम उस पर वीडियो नहीं डाल रही हूँ। मेरा दूसरा वाला फोन खराब हो गया है धनवी नाम से, जो
चैनल मैंने बनाया था वो वाला मेरा फोन खराब हो गया अभी। पूरा दिन कैसे निकल जाता है ना पता ही नहीं चलता आपके साथ तो खासकर। अच्छा कल से कैसे बीतेगा? बिट्टू के साथ, मम्मी पापा के साथ, वंदु बाबू के साथ। कल से शाम को 5 बजे मुलाकात होगी। फुस फुस। ये सोच लो मैं सब शादी में लेकर आई थी, मैं कितना कम यूज करती हूँ, मुझसे ज्यादा तो यही सब यूज करते हैं। वाओ ये भी था क्या मीनू में? सही है, यहाँ पे मीनू नहीं चल रहा है ठीक है, ये होटल नहीं है या कोई सैलून नहीं है, घर पे हो। थोड़ा सा वो हिमगंगे तेल डाल के पानी मार के चंपी कर देती तो और मजा आ जाता। या तो फेशियल करवा लो या तो चंपी करवा, ऑप्शन तो आपके पास वो है। दूसरे वाले वीडियो में किया जाएगा क्या? चंपी, आज फेशियल पे ध्यान दो। हाँ वैसे मैं हेड मसाज ज्यादा अच्छा नहीं कर पाती हूँ। कभी मत करना। क्यों, बाल तोड़ देती हूँ क्या मैं आपकी? सर और दर्द होने लगता है। नॉर्मल हैंड है जैसे बाकी लोग के हैं, कोई हथौड़ा नहीं है, मेरा पत्थर नहीं लगे मेरे हाथ में। वो जहाँ हम बाल बनवाते हैं ना जैसे सैलून में, वहाँ जाते हैं तो वो पहले जैसे बाल बाल कट कर लेता है, दाढ़ी बना लेता है, तो फिर पूछता है सर वो हिमगंगे तेल ले आके मालिश कर देगा आपके? पैसे भी तो लेता होगा उसका, फ्री चार्ज जो भी पता नहीं 150-200 रुपये टोटल लेता है, लेकिन मालिश बहुत अच्छी करता है फिर सर की। हेड मसाज बहुत अच्छा कर देता है, 15 मिनट आराम से पता नहीं क्या करके करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके फोड़ देता है बड़ा। आज शाम को जाएंगे हम लोग मंदिर, उसका दूसरा वीडियो बनाएंगे, दूसरे वीडियो में दिखाएंगे आपको, दूसरे ब्लॉग में। हमारे यहाँ पास ही में मंदिर है हनुमान जी का, बहुत खूबसूरत है। हो गया? अभी का अभी तो 10 मिनट 5 मिनट भी नहीं हुआ। फिर क्या करें, तब तक के लिए टाइमिंग दे दो, मिलते हैं। हो चुका, बेटू उठ गई है, मैं जा रही हूँ बेटू को देखने। तब तक आ जाओ मेरा बेटा, करिए आ जाओ बाबू, आने दो उसको, आ जाओ सोना। वो देखो बाबा क्या बने हैं बेटू, आज तो इसका ड्रेस ही बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमने नवरात्रि में लिया था इसके लिए ड्रेस, ये आने वाली नवरात्रि के नहीं है, इससे पहले जो था लास्ट टाइम। इस नवरात्र के बाद बेटू एक साल की हो जाएगी, बेटू एक साल की हो जाएगी, बर्थडे है उसका, बर्थडे ड्रेस हम इसका, जानवी का बर्थडे है, बेटा का बर्थडे है। ड्रेस तो इसके मामा ले लिए हैं, हम आपको जरूर दिखाएंगे बाबू का ड्रेस, आप सीधे बर्थडे में देखेंगे। हाँ सरप्राइज रहेगा सबके लिए। आ जाओ बेटा पापा पास आ जाओ। देखो 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 टैडी, देखो टैडी, देखो पापा भी दिख रहे हैं उसमें, मम्मा भी दिख रही है। आओ आप पापा पास आओ। नहीं नहीं ब्लीच लगा, अरे वो नहीं छुएगी, वहां छू देगी वो, आपको पहचान नहीं रही है, वो पापा ही तो है, ये सब खाने वाली चीज नहीं बेटा, सब केमिकल, हटिए उसको दूर रखे सब चीजों से। अब एक ही पार्ट हो पाएगा नहीं, अब फेशियल बाद में।
तो मैं बेटे को संभाल लूंगी। रह गया बाय। अब इसको क्लीन करते हैं, वीडियो बंद करते हैं, नाइट में मिलेंगे। नाइट में फिर से जब बाबू सो जाएगी तो फिर हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। तब तक के लिए बाय 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 कर लो बेटू बाय बाय। ऐसे कर दो।